जिला कांगड़ा में संडे एसीएफ एक्टिव केस फाइंडिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें आशा वर्कर घर घर जाकर संडे को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिनमें टीवी के लक्षण लगते हैं उनके सैंपल भी ले रहे हैं, जिसके माध्यम से केस डिटेक्ट होना शुरू हो गए हैं। ये जानकारी एडीसी कांगड़ा राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 4 बैठकों की अध्यक्षता करने के उपरांत दी। एडीसी ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए 2022 तक टारगेट अचीव करने का निर्णय लिया गया है, उसके टारगेट की समीक्षा की गई है। सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मरीजों का उपचार हुआ है, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में भी एसीएफ कार्यक्रम को आईसीडीएस के माध्यम से चलाने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। जो गैप है उसे आइडेंटिफाई कर दूर करना चाहेंगे। कोविड को लेकर भी पूरे हिमाचल में एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चलाया था। कोविड से ज्यादा बोझ जो है टीवी का है, जिसे दूर करना है तो आबादी को लगातार स्क्रीन करना होगा। इस बारे निर्णय लिया गया है। टीबी की डिटेक्शन वर्तमान में 70% है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिकतर मामलों को फाइंड आउट करके ट्रेस और ट्रीट करें। टीबी के उपचार में देरी से ये बिगड़ जाता है और उपचार की कॉस्ट लाखों में चली जाती है। एचआईवी एड्स पीड़ित लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके सोशल ह्यूमन राइट्स को किस तरह सिक्योर किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। जिला में जो 1253 लोग हैं जो कि एचआईवी एड्स के साथ जी रहे हैं, उनकी नीड असेसमेंट आगामी 3 माह में कंडक्ट की जाएगी और किसी सरकारी योजना से ये लोग जुड़ना चाहते हैं या उन्हें कोई आवश्यकता नरेगा से है, स्क्रीनिंग से है, उस दिशा में काम किया जाएगा। आज 4 बैठकें यहाँ पे आयोजित की गई है हेल्थ विभाग द्वारा, जिला शैनो निवारण समिति, डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम और को मॉर्बिडिटीज़ की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है। स्पेसिफिकली टीबी में, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पे और हिमाचल स्तर पे ये निर्णय लिया है कि टीबी का उन्मूलन का टारगेट हम 2022 तक अचीव करेंगे, तो उसके टारगेट्स की समीक्षा भी की गई है। साथ में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, निक्षेप पोषण योजना और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि कैसे इन जो स्कीम्स हैं उसमें कोई इश्यूज़ हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, जिससे पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसका फीडबैक भी लिया गया है। तो जिला कांगड़ा में हमने जो है एक संडे एसीएफ की शुरुआत की है, जो एक्टिव केस फाइंडिंग की जो है प्रोग्राम है, जिसमें आशा वर्कर हर संडे को जो है वो रूरल एरियाज़ में घर घर जाके वर्बल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सैंपल्स ले रहे हैं। जिन लोगों का लगता है कि उनको टीबी के लक्षण हो सकते हैं, उनका सैंपल ले रहे हैं, उसमें केसेस डिटेक्ट होना शुरू हुए हैं। मीटिंग में आज हमने निर्णय लिया है कि हम अर्बन एरियाज़ में भी इसको आईसीडीएस विभाग के माध्यम से करने के लिए स्टेट से मामला उठाएंगे, क्योंकि एक वो गैप है जिसको आइडेंटिफाई करके हम फिल करना चाहेंगे। और इसके पॉजिटिव परिणाम जो एसीएफ एक्सरसाइज के वो देखने में आएंगे। आपने देखा है कि कोविड में भी हमने एक एसीएफ जो है पूरे हिमाचल में किया था और उससे पता चला था कि किन किन लोगों का लक्षण टेस्ट हो पाया था। तो टीबी में भी जैसे कोविड से ज़्यादा बर्डन जो है वो टीबी का है और हमें उसको एलिमिनेट करना है, तो पॉपुलेशन को लगातार स्क्रीन करना रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है हमारा ये रहा। इसके अलावा एचआईवी एड्स के ऊपर एक बैठक थी, जिसमें एचआईवी जो लोग हैं, पीपल लिविंग विद एचआईवी, जिनको एचआईवी है और वो ट्रीटमेंट अंडर ले रहे हैं, कैसे उनके सोशल इकोनॉमिक राइट्स को सिक्योर किया जाए, उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और अगर उनकी कोई नीड्स हो जो सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ उन्हें जोड़ सकते हो, उसके ऊपर एक बैठक थी, जिसमें हमने निर्णय लिया कि जो हमारे 1253 लोग जो पीपल लिविंग विद एचआईवी है, उन सबकी हम नीड असेसमेंट अगले 3 महीने में कंडक्ट करेंगे। और बाई नेक्स्ट मीटिंग अगर किसी भी स्कीम से वो जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की फैसिलिटी वो चाहते हैं, तो उसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट को हम उनकी कंसेंट से उनको स्पॉन्सर करेंगे। ट्रेनिंग नीड्स हैं, नरेगा के लिए है या स्किलिंग के लिए वो चाहते हैं, वो किया जाएगा। टीबी के जो डिटेक्शन है वो अभी जो है वो 70% है, पर उसका कारण दो हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे जो है लोगों की मूवमेंट भी कम रही, हॉस्पिटल्स में भी जाना कम रहा ट्रीटमेंट के लिए, प्लस ये भी एक फैक्टर है कि मास्क लगा के काफ़ी लोग घूम रहे हैं, तो उसका ट्रांसमिशन शायद प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि उसका डिक्रीज़ हुआ होगा। पर हमारे हित में ये है कि हम मैक्सिमम केसेस को फाइंड आउट करें और ट्रेस और ट्रीट करें। अभी जो आंकड़ा है हमारा वो 70% नोटिफिकेशन का है ड्यूरिंग दी पीरियड जब कोविड चला हुआ था। शहनो निवारण में सबसे बड़ी चुनौती है वो अवेयरनेस की चुनौती है कि हमें अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पे भी एक पेशेंट थे जो ये कह रहे थे कि 2 महीने तक वो जो है वो अपने स्तर पे मेडिकल स्टोर से दवाई लेते रहे और उन्होंने हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं किया।
जब भी टीबी के लक्षण हो तो या किसी भी बीमारी के लक्षण हो, सबसे पहले हॉस्पिटल में जो नियरेस्ट आपका संस्थान है उसमें रिपोर्ट करें और वहाँ पे चेकअप कराएं मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जिससे अर्ली डिटेक्शन होता है तो इजीली उसको आराम से उसको ट्रीट भी किया जा सकता है, पैसे भी कम लगते हैं। अब टीबी में आप देखते हैं कि अगर जितना डिले किया जाएगा उतना जो है वो उसको बीमारी जो है वो एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी में जा सकती है। अगर बीच में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना छोड़ भी दिया और हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो लिंक टूटने पर भी ये बीमारी जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट फिर जो है वो लाखों में उसकी कॉस्ट चली जाती है। तो अर्लीस्ट चैलेंज जो है हमारे पास अर्ली डिटेक्शन है और उसी के लिए हम जो एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं आशा वर्कर्स के थ्रू, वो अर्ली केस डिटेक्शन के लिए ही है।